हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने एक फ्लिपकार्ट से एयर कंप्रेसर मंगाया, तो मेरे स्कूटी के लिए या बाइक के लिए, कार के लिए, सभी के लिए ये वर्थ है। तो इसका प्राइस मैंने तकरीबन 1500 के अंदर दिया है और इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। और इसको हम इलेक्ट्रिकल एयर कंप्रेसर के कंपेरिजन किया तो उससे भी यही बढ़िया है। तो इलेक्ट्रिकल एयर कंप्रेसर जो होता है ना, वो 25 PSI हवा भरने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट तक टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर 25 PSI हवा भर लिया। तो उसको मैंने लाइव दिखाऊंगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी है। तो इसका रेटिंग मुझे 5 स्टार है, ठीक है? तो मेरा तो रेटिंग इसका 5 स्टार है। तो जल्दी से जाके आप परचेस कीजिए। अभी तो आपको ऑफ़र में मिलेगा, कम से कम आपको 1300 तक ऑफ़र में है। अगर आप बिना ऑफ़र लिया तो ये 1500 तक मिलेगा। तो गाइस चलिए इसको चेक करके दिखाएंगे कि इस तरीके से प्रोडक्ट काम करता है, तो ये वर्थ है क्या नहीं। मेरे लिए तो ये वर्थ है, सभी के लिए। अगर कार के लिए लेना है तो कार के लिए भी चलेगा, या फुटबॉल के लिए, साइकिल के लिए, बाइक के लिए, सभी गाड़ी के लिए ये 100% वर्थ है, ठीक है? तो चलिए हम आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलेंगे और इसको मैं चेक करके भी दिखाऊंगा लाइव, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और आपको मैं दिखाने के लिए फिर से कर रहा हूँ और उसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं, इतना प्रोडक्ट आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फुटबॉल, बाइसिकल, बाइक और बाइक का कार, सब के लिए ये यूज़फुल है, ठीक है? और चलिए, इसके अंदर कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक एयर कंप्रेसर मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके बिना आपको इसके अंदर कुछ नहीं मिलेंगे। और इस एयर कंप्रेसर के अंदर मीटर का गेज भी है और कितना PSI वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। ये वाला कनेक्टर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। तो अभी हम इसको कैसे यूज़ करना है और चेक करके भी बताऊँगा लाइव मैंने कितना सेकेंड्स में कितना हवा ये चढ़ता है। और देख सकते, 2 सिलेंडर का पंप आते हैं यहाँ पे और दोनों के साइड यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी है ऊपर की तरफ अब नीचे की तरफ। और इसके साथ एक 2 लॉक दिया गया है, तो दोनों लॉक देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लॉक है और उस साइड पर 1 लॉक है, ठीक है? तो जैसे कि आप दोनों पीछे किया तो ये पंप बाहर आ जाएगा, हम लोग पुश करके एयर को कंप्रेस कर सकते हैं, एयर को फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो भाई यहाँ पर देख सकते थे, मैंने दोनों लॉक को पीछे के साइड कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों लॉक को मैंने पीछे की साइड कर देता हूँ, ठीक है? तो पीछे की साइड करने के बाद ये जो पंप है ना, ऊपर की तरफ से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अभी हम लोग हवा फिल करने के लिए रेडी है, ठीक है? आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ 2 सिलेंडर है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने हवा फिल करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद काम खत्म होने के बाद नीचे प्रेस करके लॉक करना पड़ेगा, ठीक है? तो गाइज, इसके अंदर अभी कैसे हवा फिल हुआ था मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है? और एक देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हवा फिल करना पड़ेगा और इसका प्रेशर भी मैंने आपको दिखा देता हूँ अभी प्रेस करके, ठीक है? और देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रेशर भी काफ़ी बढ़िया है और 2 सिलेंडर की वजह से ये बहुत जल्द हवा फिल कर देता है। तो मेरे पास अभी होंडा ड्रीम होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, होंडा ड्रीम होगा का सस्पेंशन निकाल के मेरा स्कूटी के अंदर इंस्टॉल किया था। वो वाली वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो आई बटन पर आ रहा होगा, जाकर देख सकते। अभी आप इसके अंदर जो भी हवा है वो हम इसको रिमूव करेंगे और पूरा हवा रिमूव करने के बाद हम आपको इसके इस पंप के थ्रू हवा भर के दिखाएंगे कितना पावरफुल है मशीन। और देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर अभी हवा निकल रहा है। पूरी हवा निकलने के बाद इसके अंदर हम लोग हवा फिल कर देते, ठीक है? और देख सकते, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे मैंने प्लग इन करता हूँ और वीडियो को आप पॉज करके देखिए कितना सेकेंड्स पर हमने वीडियो पॉज किया, ठीक है? और उसके बाद आपको हवा चढ़ेंगे ना, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद भी आप वीडियो पॉज करके देखिए कितना सेकेंड्स में आपको हवा फिल हो गया, ठीक है? 25 PSI कितना सेकेंड्स में हवा फिल हो गया वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो मैंने पहले बताया वीडियो में 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर 25 PSI हवा भर दिया, ठीक है? तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ,
अभी मैं इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ एयर कंप्रेसर पाइप को और हवा भरने के लिए शुरू करता हूँ। आपको वीडियो पॉज करके देख के कितना सेकंड्स पर आपने वीडियो पॉज किया, ठीक है। और उसके बाद एंड पे, ठीक है, 25 PSI होने के बाद मैं पाइप को निकाल देता हूँ और उसके बाद भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और आपकी टाइमिंग कितना लेंथ हुआ है, ठीक है। और देख सकते हैं मैंने पाइप को अभी हवा भरना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने अभी पैर रखा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है वीडियो शुरू होकर। अभी मैं हवा फिल करने स्टार्ट कर दिया और 5 मिनट से अभी मैंने स्टार्ट कर दिया हवा फिल करने के लिए। और ये कितना सेकंड्स लेता है हवा फिल होने के लिए, 25 PSI। तो गाड़ी के लिए, बाइक के लिए तो 25 PSI इज़ द राइट, मतलब हर टायर के लिए एक अलग अलग प्रेशर होता, तो MRZ के लिए भी सेम प्रेशर है और होंडा ड्रीम वगैरह के लिए भी 25 PSI सेम प्रेशर है। तो मुझे जितना पता मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नहीं पता है तो गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने भी वैसे किया, गूगल पर मैंने होंडा ड्रीम का टायर प्रेशर कितना है करके सर्च किया और वहाँ पर मेरे शो हो गया 25 PSI। तो 25 PSI हवा भरने के लिए कितना टाइमिंग लगेगा वो मैंने आज इस वीडियो के अंदर अभी लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते दोस्तों वीडियो हवा प्रेशरिंग भरने के स्टार्ट होने के बाद 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अभी 30 सेकंड बाकी है और 30 सेकंड के अंदर ये 25 PSI, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर 25 PSI हवा भर देता है, ठीक है। और 10 सेकंड अभी 20 सेकंड बचा है, 1 मिनट 10 सेकंड हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं हवा फिल हो रहा है और कंप्लीट होने के बाद भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैंने 5 मिनट वीडियो शुरू होने के बाद 5 मिनट के बाद मैं करेक्ट 5 मिनट के बाद हवा प्रेशर भरने के लिए शुरू किया था। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों टाइमिंग क्या हुआ, 6 मिनट 30 सेकंड्स हुआ, मतलब 5 मिनट के बाद मैंने शुरू किया था, अभी हो गया 6 मिनट 30 सेकंड। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है 1 मिनट 30 सेकंड। और अभी आप देख सकते हैं प्रेशर कितना है दिखा रहा है मीटर के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों 25 PSI मैंने भर लिया। अगर हम और थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो 30 PSI होता, तो 25 PSI यहाँ तक हमने मैक्सिमम ले लेना है और ऊपर लिया तो 30 PSI होता। तो 30 PSI फ्रंट के लिए तो 25 PSI सही है, अगर हम रियर साइड हवा फिल करते हैं तो वहाँ पर हमको फिलियन के लिए 30 PSI इज़ ओके। अगर आप सिंगल राइड करते हैं तो 25 PSI इज़ बेटर। तो सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर 25 PSI हवा भर लिया। अगर हम लोग यही जगह पर इलेक्ट्रॉनिक जो आता है ना वो भी 1500 के ऊपर भी है और नीचे भी है, 1000 के अंदर भी है और 1000 के ऊपर नीचे है, कम से कम 2000-2500 के अंदर है। अगर आपने MI का एयर कंप्रेसर देखा है तो वो 2500 के अंदर मिल जाएगा, काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है। और इस सब इलेक्ट्रॉनिक जो आता है ना उससे आप हवा भरना स्टार्ट किया तो आपको 25 PSI हवा भरने के लिए कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक टाइम लगेगा, लेकिन इस वाला मशीन के अंदर मैंने सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर भर लिया, ठीक है। तो बस अभी आप देख सकते हैं मैंने कितना प्रेशर है हवा में कैसे चेक करना है, मैंने MRZ के अंदर आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसके अंदर हवा रिमूव नहीं करूँगा तो सिर्फ आप देख सकते हैं मीटर पर 0 रीडिंग है। और अभी हम क्या करेंगे तो प्रेशर कितना है करके चेक करने के लिए सिर्फ आपको प्लग इन कर देना है पाइप को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी 0% है और मैंने प्लग इन करके भी दिखाऊंगा कितना प्रेशर हमारा गाड़ी के अंदर अभी है। और ठीक है, तो इसको मैंने कैप को रिमूव कर दिया और कैप को रिमूव करने के बाद मैंने इसको प्लग इन कर देता हूँ, ठीक है। और प्लग इन करने के बाद मीटर के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों कितना परसेंटेज है हमारा कितना परसेंटेज PSI अभी टायर के अंदर हवा है वो आप देख सकते हो 20 PSI से भी नीचे, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको अंदर भी थोड़ा प्रेशर लगा के हवा फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो 20 का आसपास होना चाहिए, मतलब 20 का ऊपर ही होना चाहिए और आप देख सकते हैं 20 का ऊपर आ चुका है। तो मैं सिंगल राइड करता हूँ ऑलवेज और ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल ही राइड करता हूँ। इधर 20 की है तो मेरे लिए बेस्ट है, मैं 30 तो डाल सकता था लेकिन मुझे 20 इज़ ओके, ठीक है। तो अगर आप फिलियम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डबल राइड करते हैं तो आपको 30 PSI भरना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू यूर बाइक, अकॉर्डिंग टू यूर स्कूटी, अकॉर्डिंग टू यूर कंपनी जो भी प्रोवाइड करता है आपने कितना हवा भरना है तो उसके हिसाब से आप हवा भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी है। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो लिंक मिलेगा नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे। और दोस्तों और आपको कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स कर देना, क्वेश्चन से तो
और आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।